प्रयागराज के संगरगढ़ से बड़ी खबर आ रही है कि उप निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी सिपाहियों के साथ मिलकर नगर पंचायत शंकरगढ़ के चिकान टोला मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब की बिक्री करते हुए एक व्यक्ति को 110 सीसी शराब के साथ गिरफ्तार किए हैं। प्रयागराज के शंकरगढ़ से विनय कुमार की रिपोर्ट। लंबे बालों के लिए जरूरत टाइम की नहीं, बस एक फॉर्मूला की है। फॉर्मूला 3x3 हुए प्रयागराज के नैनी से एक बड़ी खबर आ रही है कि 7 लाख रुपए की लूट हो गई है, जिस केस को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा, उनमें क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। प्रयागराज के नैनी से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। अभी एक जो वादी है, पीड़ित है फिरोज, उन्होंने बताया कि ये बैंक HDFC बैंक से 7 लाख रुपए निकाल के ले जा रहे थे और 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने से वो पैसे का बैग जो है वो छीन लिया, ब्राउन कलर का बैग था। इनसे जाकर के बात की गई है, इनकी तहरीर मुकदमा लिखवाया जा रहा है, कुछ एविडेंसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर।